खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सरायकेला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य के आदिवासी मूलवासियों को बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने की हुंकार भरी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने पर कहा, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई जारी रहेगी, हम फिर प्रयास करेंगे। इसके पीछे उन्होंने बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने सरकार चुना है, वह बेवकूफ नहीं है, वह अपना हक लेकर रहेगी। स्थानीय नीति यहाँ के युवाओं के लिए बनी थी, यह दिल्ली या अंडमान नहीं है, यह झारखंड है, यहाँ झारखंडियों की बात होगी। उन्होंने राज्य के विकास में भाजपा को बाधक बताया और कहा, केंद्र सरकार को ढाल बनाकर भाजपा यहाँ के विकास में अवरोध खड़ा कर रही है, जिसे जनता देख रही है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 1932 खतियान ही झारखंड की पहचान होगी। इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया कि जो 1932 की बात करेगा वही गांव में प्रवेश करेगा। अलग राज्य के निर्माण के लिए सरायकेला खरसावा के कई वीरों ने अपनी शहादत दी। पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किया था, अंग्रेजों को तीर के नोक से जवाब दिया था। उन्होंने कहा, शिबू सोरेन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, इसके बाद झारखंड अलग राज्य बना। यहाँ के आदिवासियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से अलग राज्य हासिल किया। अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 का खतियान लिया जाएगा। गुरुजी ने झारखंड दिया, उनका पुत्र झारखंड को सा मार रहे हैं। 1932 का खतियान चाहिए तो संघर्ष करना ही होगा। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किया, कहा कि राज्य में 20 साल तक शासन किया लेकिन राज्य में विकास नहीं के बराबर किया। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की चाल तो जनता समझ चुकी है, झारखंड शहीदों की भूमि है, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, कैबिनेट की बैठक होती है तो पेट में दर्द होता है कि नया क्या निर्णय लेने वाले हैं। उन्होंने सीएम सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में आगे राज्य बेहतर। सभा को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सविता महतो, दशरथ गांगराई, सुखराम हेमरम ने भी संबोधित किया। हालांकि मुख्यमंत्री तय समय से करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे, जिस वजह से उनके कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। इंडिया न्यूज वायरल के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित हमारे विधायक दशरथ गगरे जी, यहाँ उपस्थित विधायक सविता महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक सुखराम राव जी, यहाँ उपस्थित जिले के सभी हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर नोडे आप आतु दिशाओं कौन पे स्वास्थ्य सेंटर का गो बाबा भोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नाके को मानकी को मुंडा को सलाम खोन पहला लिंग सेंट खोन अड़ी अड़ी खतियानी जोहार। बहुत समय से आप लोग यहाँ जमावड़ा में लगे हैं और आज इस खतियानी जोहार को जो आप लोगों ने आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर जो इसको और जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। महीने भर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में हमने ये खतियानी जोहार यात्रा आम सभा किया, एक दर्जन से अधिक जिलों में भ्रमण किया और इस जोहार यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है,
इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत दे रहा है जिस संकेत का इंतजार हमें बरसों से इस राज का जन्म इस राज का संघर्ष झारखंडियों को बताने का जरूरत नहीं। यहां कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस सभा में आए हैं, अभी हम आए रास्ते से तो कुछ बुढ़ा बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए, अभी हमको कुछ जानकारी मिला है, हम तो मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां अत्याचार, तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए, यही हमारा सरायकेला खरसवा ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवा में? सोनखंडी लखंडी सलगाडी गुरुडी हाथीटा बानुडी ये सब कोई जगह है वहां को जगह मिला उन्होंने आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए, सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा, और यही हमारा विपक्ष जिनका पेट में दर्द हो रहा है यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया, और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा है। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए, जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहा कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है, क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था, क्या सिद्धु कानून बनाया था, क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को देश की सरकार को अपने आंदोलन से अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए, हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूल हमने तो यही कहा कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पाला प्राथमिकता मिलना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड बिरसा मुंडा स्टेडियम में आए थे, और उस समय भी मैदान में खचाखच लोग, और उस संघर्ष यात्रा क्यों हमको निकालना पड़ा? वो इसलिए निकालना पड़ा कि विगत राज अलग होने के बाद इस राज का जो वातावरण बनने लगा, चारों तरफ डर भय, चारों तरफ लूट मार, बाहरियों का पूरा जोर से शासन शुरू हो गया, बड़े पैमाने पर लोग यहां पर हमारे हक अधिकार को लूटने की तैयारी कर रहे थे, और जो यहाँ के लोग थे यहाँ कर्मचारी थे उनको भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पारा शिक्षक सरकारी कर्मचारी उनको भी हक अधिकार नहीं मिल रहा था, सभी लोग आंदोलन करता था, सड़क पे पड़ा रहता था महीनों महीनों तक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना बाल बच्चा को लेकर के सड़क पे रहती थी, पारा शिक्षक लोग आंदोलन करता था, हक अधिकार तो मिलता नहीं, लेकिन लाठी डंडा खूब खाया इन लोगों का। जो पारा शिक्षक लोग जिसको स्कूल में रहने का काम था, विगत वर्षों में ये लोग 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था और बाकी महीना 1 महीना घर पे रहता था, और आज देखिए
वही पारा शिक्षक लोगों की समस्या समाधान कर, आज ये लोग 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर पे रहता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, कभी पदाधिकारी गांव जाता तो कभी नहीं जाता था, और आज गांव गांव पंचायत पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी फोटो कॉपी मशीन लेकर कंप्यूटर लेकर के हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा कभी 20 वर्षों में देखा है कभी? बेचारा हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा पेंशन बनाने कार्ड बनाने के लिए जूता घिस दिया, दलालों के चक्कर काटते काटते कई उधार पैसा ले लेकर के दलाल लोग खा गया, लेकिन उन लोग का वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विकलांगों का पूरा कार्ड नहीं बना। और आज क्यों हमने कानून बनाया कि इस राज्य में जो भी 60 साल का बूढ़ा होगा उसको कोई दखल देने का जरूरत नहीं है, 60 साल का होगा वो पेंशन का भागीदार हो जाएगा। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का, कोई विधवा नहीं मिलेगी जो बिना पेंशन का, कोई